पूर्णिया पुलिस ने ढोंगी बाबा बनकर दो शाक्य ठगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह दोनों ढोंगी बाबा घरों में पूजा कराने के बहाने पैसे और कीमती जेवर लेकर फरार हो जाते थे। दोनों ठग सहरसा जिले के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान शशि भूषण कुमार और ब्रजेश कुमार के रूप में की गई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 30,000 नकद, सोने के जेवरात, मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूजा पाठ के बहाने उनके घर पर दो लोग आए और उन लोगों के द्वारा कहा गया कि घर की सुख शांति के लिए हम लोग पूजा पाठ आपको करवा देंगे, 3 लाख रुपए वहाँ पर पूजा के लिए रखना है और सोने का कोई सामान उस कलश के पास रखना है। परिवार वाले उसके बात को भरोसा करके 3 लाख रुपए और सोने के जो उनके पास गहने थे उसको रखा कलश के पास। इसके बाद उन लोग के द्वारा कहा गया, जो ठग थे उनके द्वारा कहा गया, तो खबर पूर्णिया जिले से है, जहां पर पूजा के नाम पर चोरी करते थे और ढोंगी बाबा का भेष बनाकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यह घटना है पूर्णिया की, जहां पर पुलिस ने ढोंगी बाबा बनकर दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर ठग पूजा पाठ के नाम पर लोगों के घरों में घुसते थे और पूजा पाठ के नाम पर जेवरात, नगद पैसे, लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। आपको ये बता दे चले कि इस मामले में दोनों ठगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ इनकी पहचान भी कर ली गई है। भूषण कुमार और ब्रजेश कुमार के रूप में इन दोनों ठगों की पहचान की गई है और जिनके पास कई सारे सामान भी बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित आमगोला फ्लाईओवर के पास एक बैटरी शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसके कारण लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शोरूम में हर साल 2 से 3 बार आगजनी की घटना जरूर होती है। ये पंडित जी आए सुबह में पूजा करके दीप जला के छोड़ के चले गए, यही सूचना मिला। अब पूरा मोहल्ला वाला थोड़ा सा आग लगा तो नाली के पानी से बुझाने का कोशिश किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। बैटरी और कुछ केमिकल उसमें रखा हुआ था पेंट वाला, आग अचानक बढ़ती चली गई। एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस तुरंत आई, आग पर अभी काबू पा लिया गया है। मिनिमम करोड़ों रुपया की क्षति हो चुकी है जी। पूरे मारुति के पार्ट्स, बैटरी